नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे साढ़े साथी के बारे में। साढ़े साथी ये ऐसी चीज़ है जिसे सुनते ही बड़े से बड़े लोग, विद्वान, सारे लोग भयभीत हो जाते हैं। मन में अनेक प्रकार की चीज़ें घूमती है कि अरे अभी तो मेरी साढ़े साथी चालू हो गई है, कोई बड़ी कैलामिटी नहीं आ जाए मेरे ऊपर, मेरे सारे नुकसान हो जाएंगे। और काफ़ी अलग अलग दो धारणाएं हैं जो हमें टीवी पे, चैनलों पे सुनने में आती है कि साढ़े साथी बहुत ही कष्टकारी है। तो आज का जो एपिसोड है, हम उसमें डिटेल में जानेंगे कि साढ़े साथी क्या वास्तव में इतनी खराब रहती है, और अगर हाँ तो उसके उपाय क्या कर सकते हैं। दोस्तों, साढ़े साथी जैसे नाम बताता है, 7.5 वर्ष की होती है। ये 3 चरणों में डिवाइडेड रहती है। प्रथम चरण 2.5 साल का, दूसरा 2.5 और तीसरा 2.5। शनिदेव एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं। साढ़े सती आप चंद्र राशि से देखा करते हैं। जब शनि महाराज आपके 12वें स्थान में आ जाते हैं चंद्रदेव से, तब आपकी साढ़े सती चालू हो जाती है। एज एन एग्जाम्पल, किसी की अगर मीन राशि है, तो मीन राशि में आप मीन लग्न जैसे पकड़िए, वहां पे समझिए कि चंद्रदेव लग्न में है। तो शनिदेव जब कुंभ राशि में आएंगे, अभी जैसे शनिदेव है मकर राशि में, अभी आने वाले हैं 2020 में, तो शनि महाराज जब कुंभ राशि में आ जाएंगे, तब से मीन राशि वालों को साढ़े सती चालू हो जाएगी। और ये 7.5 वर्ष की रहती है। जैसे पहले 12वें घर से चालू होगी, बाद में प्रथम स्थान पे आएंगे शनिदेव जब मीन राशि में होंगे, और जब द्वितीय घर में, जब नीच राशि के, जैसे ही वृषभ में आएंगे, मीन राशि वालों को साढ़े सती से मुक्ति मिल जाएगी। ये एज एन एग्जाम्पल है कि हमने मीन राशि को उदाहरण लिया है। आप अपने राशि के हिसाब से अकॉर्डिंगली प्लेस करके देख सकते हैं, अपनी कुंडली उठाइए, उसमें से आप जान सकते हैं कि आपको साढ़े सती कब चालू होगी। आइए बात करते हैं साढ़े सती के जो 3 चरण है, उसमें आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये मैं बहुत ही जेनरिक वीडियो बना रहा हूँ आज, इन डिटेल में नहीं है, तो बेसिक बेसिक में इंफॉर्मेशन आज दूंगा। प्रथम चरण, जैसे अभी हमने बताया, मीन राशि को आप पकड़िए लग्न कुंभ में जब होते हैं, या आपकी सपोज अगर मेष राशि है, तो मीन राशि में जब शनि महाराज आएंगे, तब मेष राशि वालों को साढ़े सती चालू हो जाएगी। तो जब शनि महाराज प्रथम चरण में आते हैं कोई भी राशि में, जब आपके 12वें घर में होंगे, इस अवधि में जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है। क्यों? क्योंकि 12वां घर जो है वो व्यय का स्थान है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी आय की तुलना में व्यय ज्यादा हो जाएंगे। और जैसे ये पैसे का ही व्यय नहीं, आपका मानसिक व्यय हो सकता है। व्यय किसी भी प्रकार का हो सकता है, आपका मानसिक व्यय हो सकता है, आपका धन व्यय हो सकता है। तो जब आपका मानसिक व्यय होता है, तो आपके जो सोचे समझे जो कार्य है वो पूरे नहीं होंगे। ऐसे पूरे 2.5 साल क्या ऐसे रहेगा? नहीं, पूरे 2.5 साल नहीं, बट बंच ऑफ द टाइम्स आपको ऐसे ही अनुभव होगा कि मैं जो भी प्लान बनाता हूँ यार पूरा नहीं होता है, सफल नहीं बन रहे हैं। तो ये चीज ज्यादा आपको एक्सपीरियंस करने में आएगी। 12वां घर नींद का भी होता है, नींद में भी प्रॉब्लम आ सकती है। जाहिर सी बात है कि जब आपके आइडियाज पूरे नहीं हो रहे हैं, जब आपका पैसे में आपकी जितनी इनकम से ज्यादा आपका एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो ऑफकोर्स आपको नींद नहीं आएगी। तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि आपको नींद कम आएगी। यहाँ पे आपके जो फॉरेन जाने के योग है, जैसे आजकल हमें काफी देखने में आता है कि लोग अपने जॉब की वजह से या बिजनेस की वजह से फॉरेन आते जाते रहते हैं, तो इस टाइम पीरियड में अगर आपको फॉरेन जाने का चांस है, तो काम जो बना हुआ काम है वो बिगड़ सकता है। ऐसे जनरलाइज हम नहीं बोल सकते कि हर बना हुआ काम बिगड़ेगा, इसमें आपका राशि, नक्षत्र, बाकी के ग्रहों का प्लेसमेंट, सब चीज देखनी पड़ती है। बट कॉमनली ऐसे आपको एक्सपीरियंस होगा, इन जनरल साढ़े सती में जो भी इस फेज से गुजर रहा है, उसके बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। ये जो टाइम है, जो जिस किसी पर्सन की दादी है, जिस किसी व्यक्ति की दादी है, उनके लिए कष्टकारी सिद्ध होता है। और जैसे मैंने बताया, आपकी मानसिक चिंता में भी वृद्धि होती है। और
बाकी की दोस्तों जो भी चीजें रहती है, जैसे अगर घर में धन का अभाव होता है तो परिवार में कलेश पड़ता है, क्योंकि आपके लाइफस्टाइल आप यूज्ड टू हो जाते हो। तो ये एक और चीज देखने में आती है कि आपकी नींद कम हो जाएगी, धन क्या व्यय ज्यादा होगा, आपके विचार जो बने हुए थे, जो आप प्लान कर रहे थे, वो सक्सेसफुल नहीं होंगे और घर में क्लेश बढ़ सकता है। तो ओवरऑल ये 2.5 ईयर्स जो है, 2.5 ईयर्स का जो टाइम है, वो कोई खास कर अच्छा नहीं होता है। बट अगेन, अगर गुरु की सिचुएशन अच्छी है, जैसे आपके गुरुदेव सपोर्टिंग है इस टाइम पीरियड में, तो ये जो सारे फैक्टर्स है उसमें कमी दिखाई देती है। बात करते हैं अब द्वितीय चरण की। इस चरण में जब सैटर्न आते हैं तो आपके लग्न में होते हैं शनि महाराज, तो जब लग्न में होते हैं तो मानसिक सिचुएशन थोड़ी सी अस्त व्यस्त रहती है। लग्न से आपके 7th हाउस को देखेंगे, 7th हाउस रहता है पार्टनर का और जैसे वाइफ का, तो थोड़ी सी जो आपकी पारिवारिक तथा जो व्यवसाय में है, जो बिजनेस साइड में है, वहां पे बहुत टाइप के उतार चढ़ाव देखने में मिलते हैं। इस टाइम में आपको अपने संबंधियों से, जो भी आपके संबंधी है, उनसे भी थोड़ा सा टेंशन रहता है, क्योंकि आपके मानसिक जो संतुलन है उसमें आप नहीं रहते हो, क्योंकि आपके लग्न में आ गए हैं। आपके लग्न में आए हैं, आपके चंद्र के ऊपर से जा रहे हैं, चंद्रदेव रहते हैं आपके मन के कारण। तो जब आपके मन के ऊपर से जाएंगे तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है कि स्टेबिलिटी बनाए रखना। हाँ, अगर आप मेडिटेशन करते हो और जैसे गीता में लिखा है, अगर आपने कर्मों का त्याग, कर्मों का नहीं सॉरी, फल का त्याग अगर कर दिया है तो अलग चीज रहती है, बट इन जनरल थोड़ा मानसिक तनाव बढ़ जाता है इस टाइम में, क्योंकि आप मेंटली डिस्टर्ब रहते हो तो आपके रोग में भी वृद्धि हो सकती है। जैसे हमने काफी बार सुना है कि जैसे आप सोचते हो आप ऐसी चीजें अट्रैक्ट करती हो, तो आप यहाँ पे अगर मानसिक तौर पे बीमार रहोगे तो ऑब्वियस चीज है कि आप बीमारी को ही अट्रैक्ट करोगे। यहाँ से जो आपके मित्रों का सहयोग है, तो मित्रों का भी जो सहयोग है वो कम हो जाता है। आप जो भी काम लेते हैं इतनी इजीली पूरे नहीं होते। देखिए दोस्तों, 7.5 साथी में एक चीज खासियत रहती है कि आपके जो भी कार्य रहते हैं बनते बनते बिगड़ जाते हैं या पूरे नहीं हो पाते हैं। और जो भी आप करना सोचो, जैसे गवर्नमेंट की आपकी हेल्प चाहिए या बाकी भी कोई काम कराना है, तो बहुत इसकी पेस जो है धीमे हो जाती है। इसका प्राइमरी रीजन है सैटर्न जो है, शनिदेव जो है वो स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो आपके जो काम है बहुत धीमे गति से हो जाते हैं। और क्योंकि हम आजकल के टाइम में बहुत ही एडवांस युग में है, हम कलयुग में रह रहे हैं, तो जितनी हमें स्पीड चाहिए उतनी स्पीड नहीं मिल पाती है, एंड दैट बिकम्स अ रीजन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो उससे आपको फ्रस्ट्रेशन चालू होता है। तो ओवरऑल ये भी जो टाइम है दोस्तों, एकदम बोलूंगा थोड़ा काफी कष्टकारी होता है। एंड ये डिपेंड करता है कि आपके नक्षत्र कौन से हैं, और उसके अलावा जो भी आपकी राशि है, राशि का कौन सा चरण है, कितने डिग्री पे चंद्र है, उस हिसाब से आपको इफेक्ट्स देखने में मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं तीसरे चरण की। ये चरण जो है वो अंतिम चरण होता है 7.5 साथी का। जो आपने पहले 5 साल निकाल दिए हैं उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा लाइट रहता है। एंड दैट डिपेंड्स कि अगर आपका मेष राशि आया है, जो इसमें शनि महाराज नीच के हो जाते हैं, तुला में उच्च के होते हैं, मेष में नीच के हो जाते हैं, और उसके अलावा अगर वहां पे कोई शत्रु ग्रह बैठे हैं, जैसे अगर वहां पे सूर्य है, मंगल है, तो रिजल्ट सेम रहेंगे, रिजल्ट सेम नहीं रहेंगे, तब रिजल्ट डिफरेंट रहेंगे। इन जनरल हम बात करते हैं कि तीसरे चरण में 7.5 साथी क्या असर देती है। तो यहाँ पे जब 7.5 साथी आती है तो आपके जो लग्न है, लग्न से शनि महाराज आगे आगे आपके 2nd हाउस में आ गए हैं। 2nd हाउस रहता है धन कुटुंब और आपकी वाणी का, वाणी का माफ कीजिए, वाणी का नहीं रहेगा, पर धन कुटुंब ओवरऑल ऐसे देखने में आया जा सकता है। तो इस स्थान में जब शनि महाराज आते हैं तो यहाँ से तीसरी दृष्टि से आपके चतुर्थ स्थान को देखते हैं। तो जो भी आपके धन, जैसे धन का नहीं बोलूंगा मैं, जो भी आपका सुख है, जो घर में रहकर सुख की अनुभूति होती है, वो कम हो जाती है। आपके जो अधिकार है, अधिकार में भी कमी देखने में आती है। यहां से शनि महाराज देखते हैं आपके 8th स्थान को, तो आय की तुलना में भी कभी कभी देखने में आएगा, क्योंकि धन भाव में भी बैठे हैं, तो आय की तुलना में व्यय फिर से कुछ टाइम के लिए ज्यादा हो सकते हैं। 8th भाव को देखेंगे, स्वास्थ्य की संबंधी जो भी परेशानियां हैं वो भी ज्यादा हो सकती है।
और क्योंकि शनि महाराज जैसे मैंने पहले बताया धन कुटुंब में बैठे हैं, तो आप ये जो परिवार में शुभ कार्य है उसमें बाधित होकर पूरे होते हैं, पूरे होंगे बट क्योंकि शनि महाराज स्लो मूविंग प्लैनेट है तो बाधित होकर फिर इवेंचुअली पूरे होंगे। वाद विवाद जो है वो काफी बढ़ जाता है, संतान से विचारों में मतभेद होने के चांसेस हैं। अगर ओवरऑल समरी में कहा जाए तो ये भी टाइम ज्यादा ठीक नहीं होता, पर आपके जो बचे जो इनिशियली जो 5 इयर्स है उसके कंपैरिजन में सही रहता है, ठीक रहता है, क्योंकि इवेंचुअली जैसे जैसे आपकी साढ़े सती खत्म होने वाली रहती है तो ये जो भी इफेक्ट्स है कम होने दिखते हैं। तो दोस्तों ये था आज का इन जनरल बेसिक अंडरस्टैंडिंग साढ़े सती के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आगे ऐसे ही और काफी सारे वीडियोस बनाते रहेंगे, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।